बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आलू की भुजिया बनाने जा रहा हूँ, आलू की चटनी भी कहते हैं, और आलू का साग भी उसका बनाऊंगा। और क्योंकि मेरे खाने इजी पकाने होते हैं, इसलिए मैं कुकर में बनाता हूँ और कुकर में ही बनाऊंगा। मैंने बटर लिया है और बटर को गर्म कर दिया। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल चाहिए तो जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर गर्म होते ही मैं इसमें प्याज कुतर के एक प्याज डाल दिए। प्याज को मैं थोड़ी सी लाल करूँगा, सेमी लाल होनी चाहिए, ज़्यादा लाल नहीं होनी चाहिए। मैंने बटर में प्याज डाल दिए। मेरी प्याज चूल्हे को मैं फुल आँच पे कर दिया है ताकि प्याज जल्दी लाल हो जाए। प्याज को लाल करने के लिए, क्योंकि ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको कॉर्नर में कर दिया है। तो इस तरह ये ऑयल कम में हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। मैं आपको दिखाने के लिए इस बर्तन को आड़ा किया है ताकि आपको समझ में आए टेक्निक, कि जब आपको प्याज लाल करनी हो और ऑयल कम यूज़ करना हो या बटर कम यूज़ करना हो, उसको आप बर्तन को आड़ा कर दीजिए। मैंने बर्तन को आड़ा कर दिया है और प्याज लाल होते ही इसे मैं मटेरियल डालना शुरू करूँगा।